हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले बच्चे को काउंटिंग आनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसे 1 to 100 काउंटिंग आती है और वह नंबरों को समझता है, जैसे कि 5 किसे कहते हैं और कैसे लिखते हैं, 8 किसे कहते हैं और कैसे लिखते हैं, 10, 12 और 4, अगर वह इस तरह के नंबर्स को समझ के लिख सकता है तो वह आसानी से बैकवर्ड काउंटिंग लिख लेगा और लर्न भी कर लेगा। तो बैकवर्ड काउंटिंग को सरल तरीके से लिखने के लिए हमें क्या मेथड यूज़ करना चाहिए और सरल तरीके से बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने के लिए हमें क्या मेथड यूज़ करना चाहिए, उस मेथड को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने के लिए एक इस तरह का चार्ट बना दीजिए, बच्चे के लिए एक इस तरह का चार्ट बना के उसे दे दीजिए और बच्चे को इस तरीके से नंबर लिख दीजिए, 5050, 4040, 3030, 2020 और 10, 1010। और आपको ये अगर इस तरीके का बॉक्स बना है और तभी भी आपको, अगर आप ये पॉइंट लगा के बच्चे को देंगे तो ईजिली इन पॉइंट पे लिख सकता है। और आपको ये बोलना है कि आप इसी पॉइंट पे लिखेंगे, इसी बॉक्स के अंदर लिखेंगे, इस बॉक्स के बाहर नहीं लिखेंगे, तो वो इस बॉक्स में कंटिन्यू ईजिली लिख लेगा। अगर ये पॉइंट नहीं लगे रहेंगे और बच्चा थोड़ा सा उसका हाथ अभी इतना सेट नहीं है तो वो थोड़ा इधर उधर लिख सकता है, और अगर बच्चा लिखने में अच्छा है, वो ईजिली 1 to 100 कर सकता है, तो वो इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? अगर बच्चे को आप स्टार्टिंग से करा रहे हैं, फर्स्ट से स्टार्टिंग से बैक काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अभी तक उसने बैक काउंटिंग लिखना शुरू नहीं किया है, तो आप इस तरीके का चार्ट बना कर दीजिए और डॉट लगा दीजिए और बच्चे को बोलिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन 11, 12, 13। उसको बोलिए कि अभी तक हमने काउंटिंग लिखी थी तो कंटिन्यू लिखी थी, यहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ फिनिश की थी, अब हम बैक काउंटिंग लिख रहे हैं या फिर बैकवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं, अब हम बैकवर्ड काउंटिंग लिख रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ फिनिश करेंगे। और वो कैसे करेंगे उसको आपको 2-4 बार बताना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो खुद से लिखेगा। तो अगर ये वाले मेथड को वो कर लेगा, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ फिनिश करेगा, 2-4 टाइम वो अगर इस तरीके से लिखेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम अगर वो लिख लेता है, तो फिर उसको ये वाला मेथड बताइए कि इस तरीके का चार्ट बना के दीजिए और 5050, अब इसके नीचे वो क्या लिखेगा, अब उसको बोलिए कि इसके 5050 के पीछे ये 4 लिख दीजिए, 0 नहीं लिखेंगे, ओनली 4 लिखेंगे। ये बच्चे को सबसे पहले स्टार्टिंग में सिखाने का तरीका है, 5 से पहले ये 4 को हमने यहाँ पूरी लाइन में लिख देना है। उसको ये इजी तरीके से बताइए कि 5050 से पहले अगर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो 5 before 4, और अगर वो नहीं समझ पा रहा तो आप उसको ये बोलिए कि 5 के पहले हमने ये 4 लिखा है तो आप इस पूरी लाइन में 4 लिख दीजिए, 4 4 4 4 4 4 4 4 4, देन अब हम यहाँ से 1 से 9 तक की आपको काउंटिंग लिख देनी है। अगर उसको काउंटिंग लर्न है तो ईजिली 1 से 9 तक की काउंटिंग यहाँ फिनिश कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब उसके बाद जब ये फिनिश हो गया उसको बोलिए यहाँ से रीड करने के लिए, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अभी उसने इस तरीके से रीड किया, अब जब हमारी पूरी बैकवर्ड काउंटिंग फिनिश हो जाएगी तो उसको यहाँ से रीड कराएंगे और यहाँ फिनिश करेंगे, और वो कैसे करेंगे मैं अभी बताऊँगी। देन नेक्स्ट है 4040, और 4040 के पहले वो अभी वो यहाँ क्या लिखेगा, अब उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, इसमें हमने उसकी हेल्प करनी है, ये लिखने में पहले उसको बताना है, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। इसके पहले हमने 3 को यहाँ लिख देना है,
उसके जस्ट बगल में थ्री लिखा है, थ्री को हमने यहाँ लिखना है थ्री, और पूरी लाइन में हमने थ्री को लिख देना है, थ्री 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 थ्री। देन वही मेथड यूज़ करना है, वन से नाइन तक की हमने काउंटिंग लिख देनी है। वो इजी, इस मेथड से वो इजी तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग को सीख लेगा। नाइन, देन थ्री जीरो थर्टी। थ्री जीरो थर्टी से पहले हमने आप उसको थोड़ा सा ये बोले कि अब हमने क्या करना है। इससे फाइव से पहले हमने ये वाला फोर लिख कर लाइन पूरी लाइन कंप्लीट की थी, फोर से पहले हमने थ्री लिख कर पूरी लाइन कंप्लीट की थी, अब हम थ्री से पहले यहाँ क्या लिख कर कम्प्लीट करेंगे पूरी लाइन। तो वो उसको थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि थ्री से पहले हम टू लिखेंगे, तो यहाँ हम पूरी लाइन में टू लिख देंगे। टू 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 टू। देन अब हमने क्या करना है, वही वन से नाइन तक। और अगर वन से नाइन तक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों को बोलिए ये वन को यहाँ लिखिए, टू को यहाँ, थ्री को यहाँ, फोर को यहाँ। तो वो यहाँ से देकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इस तरीके से वो लिख लेगा। देन टू ज़ीरो ट्वेंटी। टू ज़ीरो ट्वेंटी से पहले, अब टू से पहले हमने क्या करना है, वन लिखना है, वन 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 वन। देन वन टू नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टू ज़ीरो ट्वेंटी एंड टेन, वन ज़ीरो टेन। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि वन ज़ीरो टेन के आगे तो कोई नंबर लिखा ही नहीं है, तो हमने क्या करना है। तो आप ये उसको बोलिए कि वन ज़ीरो टेन है, तो इसके अगर इधर कोई नंबर होता है तो उसको हम बोलते यहाँ लिखिए। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो उसको बोलना है कि वन से नाइन तक की काउंटिंग यहाँ लिख देनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन ज़ीरो टेन। ये एक सरल तरीका है बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने का। अगर इस वाले मेथड को वो चार बार पांच बार या दस बार भी करता है तो उसके बाद वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देगा। अभी हमने इस तरीके से सिखाया सरल तरीके से, फिर वो बैकवर्ड काउंटिंग को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देगा, फिफ्टी फोर्टी नाइन। फिर जब उसका कंप्लीट हो जाता है तो उसको एक बार आप उसको रीड करवाइए, फाइव ज़ीरो फिफ्टी फोर नाइन फोर्टी नाइन, इस तरीके से करवाइए, फोर फोर्टी नाइन फोर्टी एट नहीं, फाइव ज़ीरो फिफ्टी फोर नाइन फोर्टी नाइन, फोर एट फोर्टी एट, फोर सेवन फोर्टी सेवन, फोर सिक्स फोर्टी सिक्स, फोर फाइव फोर्टी फाइव, फोर फोर फोर्टी फोर, फोर थ्री फोर्टी थ्री, फोर टू फोर्टी टू, फोर वन फोर्टी वन। इसी तरीके से आपको पूरी काउंटिंग को ओरली उसको रीड करवाना है, यहाँ फिनिश करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ फिनिश करना है। ये वाला एक ऐसा तरीका है जो बच्चा आसानी से कैच कर लेगा, और पांच बार दस बार लिखने के बाद वह फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ फिनिश कर देगा। अभी हमने 52 बैकवर्ड काउंटिंग की है, इसके बाद वही मेथड को आगे भी यूज़ करना है, 100 to 51 में भी कर सकते हैं, हाफ हाफ करके सिखा सकते हैं, देन 100 to 1 में भी कर सकते हैं। यही मेथड को आप पहले आप इसे करवाइए, क्योंकि ये बैकवर्ड काउंटिंग का हाफ हिस्सा आधा हिस्सा है, ये कर लेगा देन फिर इसके बाद आधा हिस्सा फिर करवाना है, उसके बाद फिर पूरा ज्वाइन करके 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग, फिर उसके उसको धीरे धीरे वो उसको आसानी से वो कर लेगा। तो ये एक सरल तरीका था बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने का। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।